हम ये भी जानते हैं कि बाबा जब आते हैं तो गारंटी देते हैं कि मैं तुम बच्चों को बैगर टू प्रिंस बनाऊंगा। क्या बैगर माने भिखारी, और भिखारी से क्या बना दूंगा है? राजकुमार बना दूंगा। इसी जन्म में बनाऊंगा, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। कैसी पढ़ाई, कैसी पढ़ाई है? भिखारी से राजकुमार, भिखारी से राजकुमार। तो पहले भिखारी बनेगा कि राजकुमार बनेगा? भिखारी बनेगा, भिखारी बनेगा, तभी राजकुमार बनेगा है। पहले तो भिखारी बनना पड़े। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि शंकर जी का चेला कोई नहीं बनना। वो जैसे खुद लंगोटिया है, बबूतिया है, वैसे हमको भी बनाए देगा। लेकिन ये कोई नहीं जानते कि वो बैगर टू प्रिंस बनाता है। पांडवों का गायन था। पांडव क्या थे? घर घर में जाकर क्या करते थे? भीख मांगते थे। ये भीख मांगने की शिक्षा किसने दी? भगवान बाप ने उनको भीख मांगने की शिक्षा दी कि तुम अपना सब कुछ तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लौटा दो, जुए में लगा दो। ये जुआ है तन मन धन समय संपर्क संपत्ति। सारी ईश्वरीय सेवा में लुटा दो। और पांडवों ने लुटा दिया। फिर पांडव ने दिग्विजय की या नहीं की? सारे विश्व के मालिक बन गए। तो बाप आकर ऐसी बुद्धि की सदगति करता है। कैसी? जो आत्मा बैगर टू प्रिंस बनने के लिए तैयार हो जाती है, रो रो करके या खुशी खुशी है, खुशी खुशी तैयार हो जाती है। तो जो ऐसे खुशी खुशी तैयार होंगे वो ऊंचे चढ़ेंगे दुनिया में, आसमान के सितारों की तरह दुनिया में चमकेंगे, ये नीचे गड्ढे में पड़े रहेंगे हैं? चमकेंगे। वो है आसमान के सितारे जड़, और भगवान के बच्चे हैं चैतन्य सितारे धरती के। ये धरती के चैतन्य सितारे, इनको बाप गारंटी देते हैं कि मैं तुमको बैगर टू प्रिंस बनाऊंगा अगर मेरी मत पर चलेंगे तो। ये भी बताते हैं कि वहां तो राजा का बच्चा ही प्रिंस बनता है, राजगद्दी प्राप्त करता है। यहां ऐसा नहीं है। यहां तुम चाहे बच्चा हो और चाहे बच्ची का चोला है, दोनों को बाप से विश्व की बात सही मिल सकती है। तो बताया कि उस दुनिया में तो सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है बाप दादे का, लेकिन मैं आता हूं तो चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, सबको वर्षा देता हूं। तो बच्चों को ताकत रखनी चाहिए। क्या? किस बात की ताकत? अपने स्वरूप को पहचानने की ताकत रखनी चाहिए कि हम निराकार बाप के निराकारी बच्चे आत्मा हैं।
इस जन्म में हमको ये चोला मिला हुआ है, स्त्री चोला या पुरुष चोला। तो ये बहुत सहज बातें बताते हैं, इसको सहज राजयोग कहा जाता है, ये सहज ज्ञान है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी इस ज्ञान को समझ के बैठी हुई हैं। यहाँ कोई कलेक्टर बालिस्टर मिनिस्टर बैठा हुआ है क्या? उनकी समझ में ये ज्ञान नहीं बैठेगा। और जो साधारण साधारण है उनकी बुद्धि में भगवान की बातें ज्ञान बुद्धि में बैठ जाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति ले लो, ज्यादा लंबा टाइम नहीं देते हैं, एक सेकंड में निश्चय बुद्धि बन सकते हैं कि अब हमको बैगर टू प्रिंस बनना है। परंतु बच्चों में अभी वो ताकत नहीं आई है जो बाप को असली रीति पहचान करके याद कर सके। माया घड़ी घड़ी बुद्धियों को तोड़ देती है, निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि बना देती है।